गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और टेस्टी सी रेसिपी लेकर। आज हम बनाने जा रहे हैं काले चने की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने एक कटोरी काले चने को रात भर के लिए 3 कटोरी पानी के अंदर भिगो के छोड़ दिया था। आप 4 से 5 घंटे भी भिगोना चाहें तो उतने में भी जो हमारे चने हैं काफ़ी अच्छे से गल जाते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड करके इसको 4 से 5 विसल आने तक पका लिया है। यहाँ पर मैंने इसको एक बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है और इसको मैं दबा के इस तरीके से चेक करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से जो हमारे काले चने हैं इस तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं ले रही हूँ एक कटोरी, उसके अंदर मैंने लिया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसका एक हल्का गाढ़ा सा पेस्ट बना लूँगी और इसको रख दूँगी साइड पर मसाले को फूलने के लिए। तब तक हमारा मसाला अच्छे से फूल जाएगा। मैं एक कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा उसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 तेज़पत्ता, 2 लौंग और 1 चम्मच जीरा। जैसे ही हमारा जीरा तड़क जाएगा उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 प्याज को बारीक कट करके रख लिया था, तो वो यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और काफ़ी अच्छे से हल्का सा गोल्डन होने तक इनको लगभग 30 से 40 सेकंड के लिए पका लूँगी। अब इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया है, उसको भी साथ ही साथ हम भून लेंगे अपने मसाले के। जब हमारा मसाला हल्का सा कच्चापन छोड़ देगा, थोड़ा पकने की साइड पे आ जाएगा, तब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो मसाला मैंने फूलने के लिए रखा था वो, और थोड़ा सा पानी मैं उसके अंदर ऐड करके लगभग 1/2 कप कटोरी साफ करके वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जब तक कि हमारा मसाला पक रहा है, मैंने यहाँ पर 3 छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनके अंदर मैंने 2 हरी मिर्चों को भी काट कर डाला है और उसका एक पेस्ट बना लिया बारीक सा मिक्सी जार के अंदर। इसके बाद इसके अंदर मैं 1 चम्मच काले चने जो उबले हुए थे वो ऐड कर रही हूँ और उनको भी टमाटर के साथ ही पीस लूँगी। इस तरीके से पीस लेने के बाद हमारा मसाला जो है हमने कढ़ाई में जो पकने के लिए छोड़ा था वो यहाँ पर पक चुका है। उसके अंदर मैंने जो टमाटर के साथ काले चने पीस कर रखे हैं वो भी ऐड कर दे रही हूँ और इनको चलाते हुए लगभग 3 से 4 मिनट के लिए पका लूँगी। तीन से चार मिनट यहाँ पर मसाले को पकते हुए हो चुके हैं और जो हमारा मसाला है वो काफ़ी अच्छे से ऑयल को सेपरेट कर चुका है। अब जिस मिक्सी जार के अंदर मैंने टमाटर और काले चने पीसे थे उसके अंदर 1/2 कप मैंने पानी ऐड किया और काफ़ी अच्छे से उसको हिला के वो पानी भी इसके अंदर ऐड कर देना है। जब ये पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे उसके बाद इसको हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे चलाते हुए लगभग 5 मिनट के लिए पकाना है, जब तक कि हमारे मसाले के अंदर एक अच्छा सा उबाल ना आ जाए। मसाले में उबाल आ चुका है फ्रेंड्स। इसके बाद जो हमने काले चने बॉईल करके रखे थे वो यहाँ पर ऐड किए हैं। मिक्स कर दूंगी काफ़ी अच्छे से ग्रेवी के साथ इसको, और अगर यहाँ पर हमको लग रहा होगा कि ग्रेवी थोड़ी सी कम है तो यहाँ पर मैं 1/2 ग्लास पानी गर्म करके वो भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। एक बार सब्जी को हम चला देंगे, उसके बाद इसको ढककर लगभग 5 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेना है। 5 मिनट बाद जो है हमारी सब्जी के अंदर काफ़ी अच्छे से एक उबाल आ चुका है फ्रेंड्स। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे भुना हुआ थोड़ा सा कसूरी मेथी पाउडर और 1 हरी मिर्च स्लिट किया हुआ, जो देखने में हमारी सब्जी के लुक को काफ़ी अच्छा बनाएगा और हमारा जो स्वाद है सब्जी का वो भी बहुत इन्हेंस हो जाएगा। तो ये हमारी जो सब्जी है काले चने की बनकर बिल्कुल रेडी है। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी काले चने की रेसिपी? इसको आप गर्मा गर्म रोटियों के साथ या फिर राइस के साथ भी सर्व कर सकते हो। ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा बुरा कैसा भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक और टेस्टी सी रेसिपी के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।